तो इस वक्त हमारी गुफ्तु अनुमान है कि जब आप जंग तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको कत्ल करने की कोशिश की अब ये मुनाफे बारह थे तेरह थे चौदह थे या पंद्रह थे तो तारीख में इनका जिक्र हुआ लेकिन कम से कम जो तादाद बयान हुई वो बारह बयान हुई अब यहां पर यह सवाल किया जा सकता है कि इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का क्या फायदा है तो याद रहे कि सही मुस्लिम में इन मुनाफिकों के लिए नकल हुआ कि इनकी जो जंग है हरम ला वसूल ही फ़िलहत दुनिया व योम यक़ूमशहाद कि इन मुनाफिक की जो जंग है या बाल्फाज दीगर जो इनका इहराफ पैदा किया हुआ है ये रसूल अल्लाह से और अल्लाह से इस दुनिया में भी है और क़यामत तक जारी रहेगा अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कोई सादे मुनाफिक नहीं थे अब एक टॉपिक ये है कि ये मुनाफिक कौन थे तो बाद जगह मिलता है फ़लान फ़लान बाज़ जगह कुछ अफरा ने सवाल किया कि हम भी थे और बाद जगह नाम भी आए गो कि उन रवायात को अगर इल्मी एतबार से देखा जाए तो अहल सुन्नत के नज़दीक वो सही हैं लेकिन कह दिया जाता है कि ये गलत हैं और ये उनका हक़ है और हम भी यही कहेंगे कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं लेकिन अगर कोई इनको बयान कर दे गो के वो ज़यीफ़ नहीं हैं तो फिर ये ना कहा जाए कि ये किसी शिया का नज़रिया है हम अपना कोई नज़रिया बयान नहीं कर रहे इस गुफ्तु का असल मौजू ही यही है कि कुतुब अहल सुन्नत में शहादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या मौजूद नकल हुए इन शाह बाद में हम अहिल बैदा वसलाम ने जो इर्शात फरमाया उसे भी इन शाह कभी नकल करेंगे तो इस वक्त हमारी गुफ्तू का अनवान है कि जब आप जंग तबूक से वापस आ रहे थे अब ये वाक़ इतना सादा नहीं है किस एतबार से एक एतबार तो ये कि इसका जिक्र क़ुरान मजीद में हुआ इर्शाद खुदामबारकाल है यहाफ़ुन बिलवााह मक़अ वालु कैले मतलफ़्र वफ़रु बाद इस्लाम हिम व हम बेमालु अब यहाँ पर अगर दिक्कत की जाए कि सूर तोबा की आयत नंबर सेवेंटी फोर अब हम बताते चलें कि इस मौजूक को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है तो पहली बात यह कि यह मौजू यानी आपको जब आप तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको कत्ल करने की कोशिश की इसका जिक्र क़ुरान मजीद में भी हुआ और दूसरी वजह क्या है कि सही मुस्लिम में भी इन मुनाफिकों के बारे में यह कहा गया कि इनकी जंग उनकी जिंदगी से लेके कयामत तक चलेगी हरबन ला वसूल ही फिलहत दुनिया व योम यकूम तो मालूम हुआ कि यह कोई सादे मुनाफिक नहीं है यह कोई आम मुनाफिक नहीं है बल्कि ये ऐसे मुनाफिक हैं कि जिनका असर और जिनका फितना उस जमाने से लेकर आज तक और आज से लेकर क्यामत तक बाकी है और जारी है और सारी है अब यह कौन है तो बाद जगह कुतुबह सुन्नत में फ़लान फलान कहा गया और बाजह बारह कहीं तेरह कहीं चौदह कहीं पंद्रह बारा का अदद ज्यादा मशहूर है फिर बाज अब ने सवाल किया कि हम भी इनमें थे क्या हमारा नाम भी रसूल सल्हम ने तुमसे लिया और बाज जगह कुतुब अहर सुन्नत में सही रिवायत की सूरत में बाज नाम आए और जिन रावियों से नकल हुए वह सफसका थे जिन रावियों से नकल हुए वो सहाय सत्ता के रोबात थे लेकिन जाहिर है कि वह मौजू कबूल नहीं था तो उनमें से एक रावी कि जिसको बाद में भी डिस्कस करेंगे वलीद बिन जुमे या वलीद बिन अब्दुल्ला बिन जुमे अब गु के वो सखा हैं लेकिन उनको रद्द किया गया खसूस इबन हजम ने रद्द किया किस लिए इसलिए कि उनसे एक जो एक रिवायत नकल हुई है उसको रद्द किया जाए हम उस रिवायत को साबित करना भी नहीं चाहते उस रिवायत को इसलिए बयान कर रहे हैं कि कल को अगर किसी शिया किताब में वो रिवायत मिल जाए या कोई झाकिर बयान कर दे या कोई आलिम बयान कर दे तो ये ना कहा जाए कि शीयों का नज़रिया है बल्कि ये हमारा नज़रिया नहीं है ये एक रिवायत है कुतुबहल सुन्नत में है वो कि वो रिवायत सही है अब वो अगर उसको नहीं मानते तो ये उनका हक़ है तो सबसे पहले जिस किताब से हम नकल करते हैं और गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं और दास्तान बताते चलें तो ये हम बताते चलें कि जंग तमूक से जब आप वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए हर्फ ब इस को हम पढ़ देते हैं सबसे पहले तारीख़ इबन कसीर यानी बिदाया नहाया जल नंबर पांच और सफा नंबर इकतालीस जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम तबूक से वापस तशरीफ लाए तो आपने मनादी का हुक्म दिया तो इसने ऐलान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी को पकड़े हुए हैं बस इसे कोई ना पकड़े इसी असना में हज़रत हुजैफ़ा रजी अल्लाह तहो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे थे और हज़रत अम्मां रजी अल्लाह तहो पीछे चल रहे थे कि ढाटे बांधे हुए ऊँटों पर सवार एक ग्रोह आ आ गया बस वह हज़रत अम्मान रजी अल्लाह पर पिल पड़े और वह हज़रत रसूल करीम के पीछे पीछे चल रहे थे और हज़रत अम्मार रज़ील्ल्ला तहो ऊँटों के चेहरों पर मारने लगे रसूल करीम सल्लाम ने हज़रत हज़ैफ़र रजी अल्लाह तहों से फ़रमाया खुद खुद यानी आहिस्ा आहिस्ा हती कि रसूल सल्ह वसलम वादी में उतर गए बस जब आप उतरे और हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तहो वापस आए तो आपने फ़रमाया ए क्या आपने लोगों को पहचान लिया उन्होंने जवाब दिया मैंने आम ऊँटों को पहचान लिया जबकि लोग ढाँटे बाँधे हुए हैं बा, बांधे हुए थे आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि इनका इरादा क्या था उन्होंने जवाब दिया अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं आपने फरमाया इनका इरादा था कि अल्लाह के रसूल को ले जाकर फेंक दें यानी घाटी से बुलंदी से फेंक दें यह है असल दास्तान अब अगर यहां पर एक मौजू आप देखें कि जनाब अम्मा से रसूल ने सवाल किया अब हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट पकड़े हुए थे हज़रत अम्मार पीछे थे पीछे से हमला हुआ हजरत अम्मार ने उनके सवारियों को मारना शुरू किया ताकि ये बेदक जाए और आगे ना आ सकें बस अब यहां पर नोट करना शुरू करें आप कि असल मौजू क्या था यहां पर यह कहना कि रास्ता बड़ा खतरनाक था इस वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से गुजर रहे थे ऐसा नहीं है बल्कि यहां पर अगर आप देखें तो मनादी का हुक्म दिया गया कि हम घाटी से गुजरेंगे और बाकी फौज वादी से गुजरे दो रास्ते थे यहां से आप क्यों गुजरे जबकि यह रास्ता खतरनाक था वजह यह थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि मुझे इस वक्त भी खतरा है उन्हीं लोगों से कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं वरना आप यह बताइए हर आदमी यह सवाल करे क्यों वह खतरनाक घाटी से गुजरे जबकि तीस हजार की फौज एक सादे रास्ते से गुजर सकती थी आप भी उसी सादे रास्ते से गुजर जाते खतरा मोल लेने की जरूरत क्या थी खतरा मोल लेने की जरूरत यह थी कि हुक्म खुदा तबारक वाली यह आपको हुक्म था कि तुम यहां से गुजरो मौला अमिर उम्न को आपने मदीने में छोड़ा हुआ था अपना नायब बनाकर और सिर्फ दो अफराद को लेकर आप इस घाटी से गुजरे जनाब अम्मार और जनाब हुफा को बस पहली बात याद रहे कि यह रास्ता खतरनाक था जबकि एक सेफ रास्ता भी था कि जो आपने इख्तियार नहीं किया सिर्फ इसलिए कि आप बता सकें कि मेरे इन अफराद में मुनाफिक हैं और यह मुझे कत्ल करना चाहते हैं पहली बात दूसरी बात यह कि हजरत अम्बार आगे हैं हज़रत अम्मार पीछे हैं हजरत हुजैफा आगे हैं उन्होंने लोगों को रोका तो यह घाटी इतनी चौड़ी थी कि उनके भी ऊंट चल रहे थे असल में उनका हदफ क्या था कि ये पीछे से आगे हमला करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर घाटी से नीचे फेंक कर शहीद कर दें लेकिन हजरत हुजैफा इनको लेके उस खतरनाक घाटी से बाहर आ गए और इस दौरान हजरत अम्मा यासर रजूल ते मसरूफ रखा जब आप वापस आए और ये लोग फिर भाग गए पीछे के पीछे तो आपने सवाल किया यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जनाब रजी अल्लाह रजू अल्लाहों से कि क्या तुमने उन्हें देखा तो उन्होंने फरमाया कि उनके चेहरे तो ढके हुए थे लेकिन अब यहां बड़ा अजीब एक मामला है कि अरबी के हवाले भी आपके सामने पेश करेंगे कद आरिफ तो आमत रवाहिल और बाद जगह बयान हुआ कद आरिफ तो रवाहिला फुलान व फलान कि मैंने उन सब के ऊंटों को पहचान लिया और एक जगह बयान हुआ कि मैंने उनके और उनके फलान फलान के ऊंटों को पहचान लिया अब याद रखें ये तीस हजार की फौज है तकरीबन तीस हजार इसमें लगभग सवारियां हैं लेकिन हजरत अमार कुछ ऊंटों को भी पहचान गए ये बहुत सेंसिटिव मौजूद है ऊंटों को पहचान गए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम आज बास लोगों की गाड़ियों को पहचानते हैं उस ज़माने में भी लोग एक दूसरे के जानवरों को ऊंटों को पहचानते थे चेहरे ढके हुए थे ये अलग मौजू है लेकिन सवारियों को हजरत हज़रतमार पहचान गए थे और बाज जगह नाम लेके पहचान गए थे इसी तरीके से बाज़ रवायात में यह है कि रसोल सल वसम ने नाम बताए तो बाज जगह ये है कि ये लोग खुद पहचान चुके थे और इसी तरह से जनाब होजैफ़ा भी पहचान चुके थे तो पहला ये मौजू था व नहाया का अब यहाँ पर एक और मौजू है इसी सफे पे सफ़ा नंबर चालीस में वो भी आपके सामने बयान कर देते हैं रावि बयान करता है कि हज़रत अमार रजील ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक आदमी से सरगोशी की किस में से असहाब में से अब याद रखें कि इन तमाम मौजुआत में उन मुनाफिक का नाम नहीं लिया जा रहा है कि जिनका खुल के लिया जाता था अगर ये वो होते तो उनका नाम लिया जाता ये वो नहीं है उनके अलावा हैं कुछ

मूमन इन रवायात में बयान नहीं हुई बस मालूम हुआ कि इनके नामों को छुपाने का हदफ यह है कि ये वो मशहूर मुनाफिक नहीं है कि उन पर डाल दिया जाए उन मुनाफिकीन के अलावा ये एक छुपे हुए शदीद मुनाफिक हैं। तो हजरत नबी करीम अलैहि वसल्लम के असाब में से एक आदमी से सरगोशी की तो इसने कहा मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं कि तुम्हारे इल्म में घाटी वाले कितने आदमी थे उन्होंने जवाब दिया चौदह आदमी थे उसने कहा अगर मैं भी इनमें शामिल हूं तो वो पंद्रह थे रावी बयान करता है कि इनमें से तीन आदमियों ने रसूल सल्लाम से उज्र किया कि हमने अल्लाह के रसूल की के मनादी को नहीं सुना था क्या नहीं सुना था कि आपने फरमाया था कि कोई भी इस घाटी से ना आए यानी इस घाटी से मैं आऊंगा और तुम लोग साफ रास्ते से आओ तो वो कहते हैं हमने नहीं सुना था और ना ही हमें इन लोगों के इरादे का इल्म था अब जबकि इन तीन अफराद की जिम्मेदारी यह थी कि यह उन बारा पर भी हमला करते जो उन्होंने नहीं किया या अब कहा जा सकता है कि यह तीन उन बारह को पहचानते और खसूस कब कि चले अब तक तो इनको नहीं पता था लेकिन इन तीन को सोचना चाहिए था कि यह बारह क्यों चेहरा छुपाए हुए हैं और जब उन्होंने देख लिया कि यह बारह लोग आगे बढ़कर फ़र्ज की बात यह है कि ये तीन इनमें से नहीं थे तो ये बारह आगे बढ़कर हज़रत अम्मार पे हमला कर रहे हैं हज़रत अम्मार जो हैं वो ऊँटों के चेहरों को मार के इनको रोक रहे हैं ताकि रसोल सलम आगे सात खैरियत के खतरनाक हिस्से से गुजर जाए तो बाद में इन तीन अफराद ने क्यों नहीं पूछा कि तुम लोग कौन हो क्या हो क्यों कर रहे थे या जब इन्होंने देखा तो ये तीन उठ के इन बारह को मारना शुरू करते दो चार को तो घाटी से फेंकते तो कहते हैं मनाती को नहीं सुना और ना ही हमें इन लोगों के इरादे का इल्म था बड़ी अजीब बात है बाद में भी इल्म नहीं हुआ है सब कुछ देख के हजरत अमार रजी अल्लाह फरमाते हैं मैं कि मैं गवाही देता हूँ कि इनमें से बारह आदमी अल्लाह और इसके रसूल से दुनियावी जिंदगी में और जिस रोज़ गवाह खड़े होंगे तक लड़ते रहेंगे यानी इनमें से बारह आदमी जो हैं है नफाक इतने शदीद मुनाफिक हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से इस ज़िंदगी में भी लड़ते रहेंगे यहां तक कि क़यामत तक लड़ते रहेंगे क्या मुराद कि उनका इन्हराफ जो है वो इबन सलूल जैसा या बाकी मुनाफिकों जैसा नहीं था कि जो ख़त्म हो गया उनका इन्हराफ उनका जुल्म ूस रसूल आल रसूल के ख़िलाफ़ उनकी साजिशें उस दिन से चली हैं तो अब तक चलती रहेंगी यहां तक कि क़्यामत आ जाएगी और रोज़ महशर भी उनका नफाफ़ खुल के आएगा और रोज़ महशर भी वो शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि रसूल सल्ल वसलम से बल्कि सबसे पहले अल्लाह सुबहान तला से लड़ते रहेंगे अब इन अफरा को इतना सादा नहीं लिया जा सकता इनके असरात हैं आलम इस्लाम पर और इतने शदीद हैं कि ये चलते रहेंगे इसी मौजू को अब हम बयान करते हैं आपके सामने मुस्ंद अहमद इबन हम्बल से जल्द नंबर दस और सफा नंबर है नाइन फिफ्टी फोर अब यहाँ पर असल रिवायत को शुरू करते हैं हजरत अबू तुफेल से मरवी है कि नबी सलाम जब गजब तबूक से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मनादी का हुक्म दिया इसने ऐलान किया कि नबी सलाम ने घाटी का रास्ता इख्तियार किया है इस रास्ते पर कोई ना जाए नबी सलाम के आगे हजरत हुज़ाइफा और पीछे हजरत अम्मार थे कि अचानक कुछ सवारियों पर ढांटा बांधे हुए लोगों का एक गुरोह सामने आ गया जिन्होंने हजरत अम्मार को घेर लिया अब जाहिर सी बात है कि हजरत अम्मार क्योंकि पीछे थे यानी पीछे से आ गए आ गया सामने से मुराद है कि नमूदार हुए गई थी हज़रत अम्मार पीछे थे वो इन सवारियों के चेहरों पर मारने लगे नबी आसम ने खतरे का एहसास होते ही हजरत हुजैफा से सवारी रोकने के लिए कहा और नीचे उतर आए और फिर नबी इस घाटी से उतरने लगे इसी दौरान हजरत अम्मार भी वापस आए नबी आलम ने इनसे पूछा अम्मार क्या तुम इन लोगों को पहचान सके हो उन्होंने अर्ज किया अक्सर सवारीयों को तो मैं पहचान लिया हूँ ये तर्जुमा है तो आमतिल यानी उमूमन मैं इनको पहचान चुका हूं लेकिन लोगों ने अपने चेहरों पर ढांटे बांधे हुए थे नबी सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हें इनका इरादा मालूम है उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं नबी सलाम ने फरमाया इनका इरादा यह था कि वो नबी को ले जाए और ऊपर से नीचे ढकेल दें फिर हजरत मार ने नबी के एक सहाबी को सख्त सुस्त कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं क्या आपको मालूम है कि इस घाटी में कितने आदमी थे इसने कहा चौदह ये वही पूरी पिछली वाली रवायत है कि जो पहले भी आपके सामने पड़ी अब यहां पर वाकया यहां पे ख़त्म नहीं होता वलीद कहते हैं कि हज़रत अबू तुफैल ने इसी गजवे से मुतक़ बताया कि नबी ने जब पानी की क़िल्लत का इल्म हुआ तो लोगों से फरमाया था और मनादी ने यह ऐलान किया था कि नबी से पहले कोई शख्स पानी पर ना जाए लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो कुछ लोगों को वहां मौजूद पाया जो इनसे पहले वहां पहुंच गए थे इस दिन नबी ने इन्हें लानत मलामत की अब मालूम हुआ गजवा तबू के वापसी में एक वाकया तो हुआ कि जिसमें कम अज कम बारह वरना तेरह या चौदह या पंद्रह मुनाफिक थे जो आपको शहीद करना चाहते थे और जब दोबारा मनादी दी गई क्योंकि पानी की किल्लत थी एक पत्थर से एक पहाड़ी के एक हिस्से से थोड़ा सा पानी निकलता था कि जो उसे दो तीन अफराद पी सकते थे रसूल अल्लाह सल वसलम ने मना फरमाया था कोई वहां पर पहले ना पहुंचे फिर आपने वहां जाके मुआजा दिखाया और पानी निकला अब यह एक इम्तिहान था घाटी से गुजरना के लोगों को पता चले कि इर्द गिर्द मुनाफिक मौजूद हैं फिर आपने पानी का ऐलान किया ये बिल्कुल वही वाला मौजूद था जैसे बनी से कहा गया था कोई भी पानी ना पिए जैसे ऐसे ही रसूल वाले वाले ने बाजा फरमाया था कि कोई भी पहले वहां पर ना पहुंचे और पानी ना पिए लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग वहां पहुंच गए आपके सामने बयान करेंगे वहां पर भी यही कहा गया कि फुलान फ मुसलमान वहां पर पहुंच गए लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजी अब आपके सामने मुस्नद अहमद इब्ने हंबल जिल्द नंबर सत्रह हदीस नंबर टू थ्री सिक्स सेवन टू और इसी हदीस के लिए नीचे लिखा हुआ है इसनाद सही इसी मौजू को अब देखते हैं कि सही मुस्लिम में किस तरह से बयान किया गया है सही मुस्लिम तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब जिल्द नंबर छः और सफा नंबर थ्री फोर एट यहाँ पर इस मौजू को बयान करें ताकि और पता चले कि ये मुनाफिक कौन हो सकते हैं रिवायत है कैसे रिवायत है मैंने अमार यासर से पूछा अमार बन यासर जंग सफीन में हजरत अली की तरफ थे अब यह है ब्रैकेट में अब ये जहन में रहे कि रसोल वसलम इर्शाद फरमा चुके थे मुआविया और उसके तरफ के बारे में और जनाब अम्मार को बशारत दी थी तख्तुल का फत बातन के अमार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा तुम जन्नत की जानब बुला रहे होगे वह वह तुम्हें जहन्नम की जानब बुला रहा होगा तो यहाँ पर तर्जुमा करने वाले भी इस चीज़ को बहुत वाजे लिख रहे हैं अम्मा बिन यासर जंग सफी में हज़रत अली की तरफ थे अब सवाल क्या है जनाब कैस का कैस से रिवायत है कि मैंने अम्मा बिन यासर से पूछा तुमने जो हज़रत अली के मुक़दमे में यानी इनका साथ दिया लड़े माविया से यह तुम्हारी राय है या तुमसे रसूल अल्लाह ने इस बात में कुछ फरमाया था अमार ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई बात ऐसी नहीं फरमाई जो आम लोगों से ना फरमाई हो अब यह बात कौन सी हो सकती है अहले बैत के फजाइल आम लोगों के सामने भी बयान किए जनाब अम्मार से भी बयान किए इसी वजह से जमान जनाब अम्मार ने माविया के मुकाबले में मौलानी का साथ दिया रसोल सल वसम तमाम मुसलमानों से कह चुके थे या अली लाब का इला ममिन वलायद का मुनाफिक उन तुमसे कोई बख्ज़ नहीं रख सकता बुख्स का ताल्लुक दिल से है जंग और लानत मलामत तो कतन मुनाफिक बना देती है ए अली तुमसे कोई बख्ज़ नहीं रख सकता मगर यह कि वो मुनाफिक हो और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर यह कि ममिन हो ये पता था जनाब अम्मार को आपने यही फरमाया कि हमसे कोई ऐसी बात खास नहीं कही जो औरों से ना कही हो तमाम मुसलमानों से कहा था कि जो अली का मुखालिफ है वो मुनाफिक है लिहाजा जनाब अम्मार ने मौला अली का साथ दिया बहुत वाजे सी बात है लेकिन यहां पर आप देखें कि ये जवाब क्या फरमाते हैं जनाब मालिक जनाब अम्मार क्या जवाब देते हैं तो सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया कैस से रवायत है कि मैंने अमारे यासर से पूछा अब वो जंग सफीन में थे अमारे यासिर जंग यासर जंग सफीन में हरत अली की तरफ थे तुमने जो हज़रत अली के मुकदमे में यानी इनका साथ दिया लड़े माविया से ये तुम्हारी राय है या तुमसे रसूल सल्ल वम ने इस बाब में कुछ फरमाया था अम्बार ने कहा रसूल सल्ला वसलम ने हमसे कोई बात ऐसी नहीं फरमाई जो आम लोगों से ना फरमाई हो लेकिन हज़रत ने मुझसे बयान किया कि रसूल ने फरमाया मेरे अब में बारह मुनाफिक हैं इनमें से आठ जन्नत में ना जाएंगे यहां तक के ऊंट सुई के नाके से घुसे यानी इसका जन्नत में जाना महाल है और आठ को इनमें से दुबैला समझ लेगा दुबैला फोड़ा या दुमल और चार के बाब में असवद ये कहता है जो रावी है इस हदीस का कि मुझे याद न रहा तो यहां पर याद रखें कि चार के बारे में जो असवद खामोश रहे वो जान का ख़तरा था और ये आ जाएगा कि जनाब हुफा भी फरमाते थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैं बताऊं कि जो मेरे दिल में है तो कत्ल का खौफ तो था जिस तरह से खिलाफत के पहले के, पहले कैंडिडेट कैंडिडे जनाब साद अपने उबादा को कत्ल कर दिया और कहा गया कि उनको जिन्होंने मार दिया था तो यहां पर वाज हुआ कि आप ये समझ सकते हैं कि सवाल हो रहा है जनाब अम्मार से और जनाब अम्मार जंग सिफीन में शहीद हो गए थे ये सवाल हुआ है जंग सिफीन के दौरान और वो जंग सिफीन में मौला मौलान का साथ देने के लिए जो दलील बयान फरमा रहे हैं वो जनाब हुफा की इस रिवायत को बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने फरमाया था कि मेरे असाब में से बारह मुनाफिक हैं तो इससे पता चला कि जंग सिफीन के खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी भी और जंग सिफीन के बानियों में से कुछ बानी बानियों का ताल्लुक इस मौजू से जरूर निकलता है कहीं ना कहीं दूसरी हदीस है सफा नंबर थ्री फोर नाइन पर और हदीस नंबर है 7037 जीरो थ्री सेवन अबू तो फैल से रिवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुजैफा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है अब ये याद रखें कि जनाब हुजैफा आम लोगों जैसे नहीं है जैसा कि हमारे आम तौर पर बरदरान अहल सुन्नत जब भी अब को बचाना चाहते हैं तो आम लोगों पर ले आते हैं और जब एतराज़ किया जाए तो ख़ास लोगों में ले जाते हैं तो ये झगड़ा कोई जनाब हुज़ैफ़ा का कि जो सच्चे तरीन लोगों में से थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे तो आम कूचे बाजार के लोगों की तरह से उनके झगड़े नहीं होते थे कि इससे झगड़ा हो गया उससे झगड़ा हो गया खाया तो झगड़ा हो गया गर्मी लगी तो झगड़ा हो गया प्यास लगी तो झगड़ा हो गया गुस्सा आया तो झगड़ा हो गया माजल्ला माजल्ला हज़रत हुजैफा रजी अल्लाह तनों और अहब ख़ास और बावफा और अब वाकई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकन बहुत ही बुलंद और बाला शान पर फायस थे बहुत ही बाला और बुलंद मकाम पर फायस और बहुत ही शान वाले थे अबू तफेल से अकबा के लोगों में से एक शख्स और दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है वो बोला तुमको खुदा की कसम देता हूँ, असहाब अकबा कितने थे अब आप ये देखें यह शख्स सवाल कर रहा है और दर हकीकत ये मौजूद बाकी मौजुआत से समझ में आ जाएगा वह शख्स उगलवाना चाह रहा है जनाब हु से और बाद में इनको कतल करवा मैं था या नहीं था अब यहां पर यह देखें कि इस रिवायत में उस शख्स का नाम क्यों नहीं है कि जो झगड़ा कर रहा है जनाब हजरत हुफा से जनाब हुजैैफा का जिक्र है जनाब हुफा के झगड़े का जिक्र है उस शख्स का जिक्र नहीं है कि जो ये पूछना चाह रहा है जनाब हुफा से कि ये बताओ कितने लोग थे अब ये भी बात वाजह है कि ये पूछ रहा है और ये है कौन अकबा वाले लोगों में से है कितनी अजीब बात है इस पर दिक्कत करें लोगों ने हुफा से कहा जब वो पूछता है तो बता दो इसको उन्होंने कहा हमको खबर दी जाती थी रसोल्ला वसलम से कि वो तेरे सिवा चौदह आदमी हैं अब वही वाली बात आ गई अकबा वाले आदमी से वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा वो चौदह हैं यानी कितने हैं हैं अगर तू इनमें से है तो वो पंद्रह हैं और मैं कसमिया कहता हूं कि इनमें से बारह तो खुदा और रसूल के दुनिया और आखरत में दुश्मन हैं और बाकी तीनों ने यह उजुर किया कि जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की कि अकबा के रास्ते ना आओ की आवाज़ भी नहीं सुनी और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे इस वक्त पैगंबर खुदा संगिस्तान में थे फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव में थोड़ा पानी है तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे जब आप तशरीफ ले आए तो कुछ मुनाफिक वहां पहुंच चुके थे इनमें से पहुंच चुके थे आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई अब ये मुनाफिक पहुंच चुके थे इनका भी नाम नहीं लिया जा रहा तो ये मामला तो बयान हुआ सही मुस्लिम से और बहुत वाजे हो गया कि लोग भी जानते थे कि अकबा वाले लोग कौन हैं क्योंकि जब रिवायत नकल हुई लोगों के सामने झगड़ा हुआ लोग पहचानते थे उस शख्स को कि यह भी अकबा वाले लोगों में से एक है बस ये कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था बताया नहीं था तो ये अहतमाल दिया जा सकता है कि ना बताने के लिए क्या वजह है एक रिवायत है जो आपके सामने बयान होगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हुज़ैफा से फ़रमाया था कि तुम्हारे बाद क्या होगा और उस वक्त फिर खामोश रहना और इतात करना वो मौजूद इन शनाब हुजैफा के जिम्मे बयान होगा